सो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द माई चैनल पीएस बाइकर एंड तुम सभी लोगों को स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पर। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब आप अपने बाइक को सेल करते हो तब क्या क्या चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2 महीना पहले मैंने भी अपना बाइक को सेल किया था, तो तब क्या क्या चीज़ों का ध्यान मुझे रखना चाहिए था, तो वही आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड जो लोग भाई अपने वीडियो को पहली बार देख लो, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आप लोगों को जो चीज़ ध्यान में रखना है, तो आप जब अपने बाइक को सेल करोगे तब आपका जो बाइक का जो प्राइस है, जिस प्राइस में आप अपने बाइक को सेल करना चाहते हो, वो आप लोगों का फिक्स रहना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को फिक्स रखना है वो प्राइस। आप वो प्राइस अपना जो जितना किलोमीटर चला है, जितना साल का बाइक है, तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट एक अप्रोक्सली आप एक हिसाब करके आप रख सकते हो। तो सेकेंड चीज़, आप लोगों को जब तक आपका बाइक का नाम ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, जो बंदा आपका बाइक को ख़रीदेगा तो उसको तब तक के लिए बाइक बिल्कुल भी नहीं देना है, ताकि आप ऐसा कर सकते हो उसके बदले कुछ अमाउंट, मतलब कुछ पैसा आप लोग उनसे, जो आपका बाइक लेगा तो उनसे एडवांस में रख सकते हो अपने पास। लेकिन जब तक आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं हो जाता बाइक का, तब तक बाइक आप उसको मत दोगे, तब तक बाइक आप उसको नहीं देना। क्योंकि ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी पहले हुआ था, कि मेरे साथ जब हुआ था मैंने 70% अमाउंट मैंने ले लिया था, उसको मैंने बाइक दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसने बाइक जाके रख दिया, उसने दूसरा किसी को बाइक चलाने के लिए दे दिया, उसने कर दिया एक्सीडेंट करके जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ है, उनके फैमिली वालों ने मुझे कॉल किया, क्योंकि तब तक के लिए मेरे नाम पे बाइक रजिस्टर्ड था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे मतलब बाइक का नंबर निकाल के, बाइक का डिटेल्स निकाल के। तब तक के लिए बाइक तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉल किया। एंड वो लोग बोल रहे कि आप लोगों को ऐसा ऐसा करना है, आपने तो अपना बाइक सेल कर दिया। उन लोगों को पता चल गया था कि यह बाइक सेल हुआ है, लेकिन नाम अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये अच्छा है। और मैंने जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका भैया तो सब कुछ जान के अच्छे से मेरे साथ बात किया, अच्छे से सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आपने जिनको बाइक सेल किया है, तो और जो बाइक चलाया है, जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, तो उनको मेरे सामने ला दो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूँगा। अगर कल तक मतलब रात को 1 बजे मुझे कॉल करके ये सब कुछ बोल रहा था बंदा, मैसेज करके कॉल करके ये सब कुछ बोल रहा था, और सुबह तक अगर उन लोगों को मतलब कॉन्टेक्ट करवा के मैंने नहीं दिया, तो मुझे मेरे नाम पर जो बाइक है, मतलब बाइक तो मेरे नाम पे ही है, तो मेरे नाम पे केस ठोक देंगे, ऐसा बोल रहा था। तो यही चीज़ मुझे सबसे बुरा लगा, और मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मतलब वही बात है कि जब तक इंसान को कुछ पता ना हो, तब तक ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, जब तक आपका बाइक का नाम ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक आप अपने बाइक को उस सेलर को, मतलब उस बायर को मत दो। सर, थर्डली, जिस दिन आपका कोर्ट में नाम ट्रांसफर होगा, उस दिन ही आप पूरा पेमेंट लेके तभी बाइक का की या अन बाइक सब कुछ, बाइक का जो पेपर्स है, आप लोग अपना बाइक का जो RC जो कि पेपर्स है, पॉल्यूशन का तो ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस, RC ये सब आप फ़ोटो खींच के उसको दे सकते हो, ताकि वो अपना काम आगे कर सके, या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, क्योंकि वो अपना नाम ट्रांसफ़र के लिए कुछ कोर्ट में जाके कुछ प्रोसेस करना पड़ता है ना, तो वो आगे तक प्रोसेस कर सके। लेकिन बाइक तभी डिलीवर करना जब आप लोगों को अपना फुल पेमेंट मिल जाए। तो ऐसे ही फुल पेमेंट मिलने के बाद साइन करके आप लोगों को बाइक दे देना है, और नाम ट्रांसफर करने के लिए लगभग 1 हफ्ता तो मिनिमम लगता ही है। तो ऐसे ही आप लोगों को डील करना है जब आप अपने बाइक को सेल करते हो, तो ऐसे ही आप लोगों को ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्टली, आपको जो जिस प्राइस में आप अपने बाइक को दे रहे हो, तो अच्छे से गुड कंडीशन में आप लोग अपने बाइक को उनके हाथों में देना, ताकि आपको आप लोगों को अच्छा सा वैल्यू मिल सके अपने बाइक का। और सेकेंडली, आपको मैंने जो बताया, आपको अपना बाइक तभी देना है जब आप लोगों को अपना फुल पेमेंट मिल जाए, फुल पेमेंट प्लस आप जब तक आपका नाम ट्रांसफ़र उस बंदे के नाम ना हो जाए, जब तक मतलब जो बंदा बाइक लेगा उसके नाम पे ना हो जाए जब तक, तब तक आपको अपना बाइक नहीं देना है। मतलब कोर्ट का काम हो जाएगा तभी आप लोगों को फुल पेमेंट मिलेगा, कोर्ट का काम हो जाएगा तभी आप लोगों को अपना बाइक उनके हाथों में देना है। तो आई होप कि मैंने भी जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये शायद मैंने छोटा करके एक वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया,
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर, तो जो मेरे साथ हुआ मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया, और शेयर करना ज़रूरी था। और 2 महीने पहले मैंने भी अपना बाइक सेल किया था, तो लगभग 2 महीना बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा, और मैंने जो कुछ बताया तो ये किसी के साथ मतलब ऐसा ही करना चाहिए एग्जैक्टली। तो पहले बिल्कुल भी बाइक को देना नहीं चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। एंड प्लीज़ जो लोग नहीं जानते या फिर जो लोग अपने बाइक को सेल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और जो लोग अपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने वीडियो को अपने लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। एंड साथ ही साथ अपने वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना।